नमस्कार, मैं हूं कुमार गौतम और आप देख रहे हैं एबी न्यूज। झारखंड में चुनावी दंगल घमासान जो कह लें सब कुछ हो रहा है, क्योंकि पहले फेज का मतदान शुरू हो गया है। बाकी के फेजों को लेकर एबी न्यूज की टीम इस वक्त पहुंची है बगोदर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर यूं तो कई प्रत्याशी हैं, लेकिन महिला प्रत्याशी की बात करें तो रजनी कौर जी हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि तमाम पार्टियों ने महिलाओं को कम क्यों आंका है, कम टिकट दिया है। हालांकि सबसे पहले बधाई हो कि बाबूलाल जी की पार्टी ने आपको महिला प्रत्याशी के तौर पर इस विधानसभा में डाला, तो आपके लिए कैसा पहले फीलिंग है ये बताएं। फीलिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि हम लोगों को बहुत खुशी है कि झारखंड विकास मोर्चा माननीय प्रथम मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी जी काफ़ी संख्या में महिलाओं को कैंडिडेट के तौर पर उतारे हैं। बहुत तो जगह से कम 10-12 महिला उतरी हैं हमारे झारखंड विकास मोर्चा से, और हम लोग जनता के साथ जुड़े हुए हैं और हम लोगों का एक ही टारगेट है कि हम लोग झारखंड में माननीय बाबूलाल जी की सरकार बने, ताकि विकास का काम जो रुका हुआ है वो हो सके। और बगोदर में जनता बदलाव चाहती है। 25 साल भाकपा माले का शासन रहा और कोई भी विकास का काम नहीं दिखा, सिर्फ महिलाओं से झंडा ढोवाने का काम उन्होंने 25 साल में किया है। राशन कार्ड के नाम पर, इंदिरावास के नाम पर, वृद्धा पेंशन के नाम पर इन्होंने महिलाओं से झंडा ढोवाया। बदलाव में लोगों ने लाया नगेंद्र महतो जी को, जिसकी नीचे से ऊपर तक सरकार थी, सरकार में थे वो, उन्होंने भी कोई विकास का काम नहीं किया। जनता यहाँ की बदलाव चाहती है और बदलाव में महिला कैंडिडेट पहली बार उतरी है, उसका जनता ने भरपूर सहयोग किया है। और आपको देखने के लिए मिला होगा कि जिस दिन मैंने नॉमिनेशन कराया उस दिन काफ़ी संख्या में भीड़ रही, और मैं यही कहूँगी कि मैं विकास का काम जो रुका हुआ है 30 सालों से, मैं विकास का काम करके दिखाऊंगी। और मेरे पति शहीद राजेश मंडल जी ने भी जनता की लड़ाई को तमाम लड़ते लड़ते शहीद हुए हैं, और उन्होंने भी यहाँ पर ट्रेन का ठहराव किया, विवेकानंद मूर्ति को बैठाने का काम उन्होंने किया, छुटकी सरिया में एक मंदिर भी उन्होंने बनवाया था। जनता की हमेशा वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और तमाम लड़ाइयों को लड़ते रहे, और उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए और बाबूलाल जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग का मेन है। और दूसरा में है हम लोग सरिया बगोदर बिरनी में एक समान हम लोग विकास का काम करेंगे। और जबकि आपको देखने के लिए मिला होगा कि जो भी विकास का काम आया है सरिया और बिरनी को अपेक्षित किया गया है, लेकिन हमारा कहना है कि माँ का अगर 3 बेटे हैं तो समान जनक माँ की संपत्ति तीनों बेटों को मिलनी चाहिए, जबकि इन्होंने सौतेला व्यवहार किया है। और मैं यही कहूँगी कि महिला कैंडिडेट होने के नाते तमाम महिलाओं का रुझान, नौजवानों का रुझान है कि हम लोग का 30 साल में बगोदर विधानसभा में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ। ओवर ब्रिज हमारा सरिया में जो बनना था, इसकी तमाम लड़ाई राजेश जी लड़े, उसके बाद और लोग भी बहुत से लड़े, सभी ने, कुछ लोगों ने तो जाके नारियल भी वहाँ फोड़ा, लेकिन विकास का काम वहीं का वहीं रुका हुआ, कुछ नहीं हुआ। माननीय बाबूलाल जी ने इसकी घोषणा भी की और उन्होंने पत्र भी लिखा कि हम इस जैसे मुख्यमंत्री पर आ जाऊँगा पोस्ट पर, तो मैं ये विकास का काम आपको करके दिखाऊंगा। एक सवाल ये है कि हमेशा से ये सुनने को आ रहा है कि डबल इंजन की सरकार है, कोई कहता है कि डबल इंजन बहुत विकास है, सबका साथ सबका विकास, यहाँ पर आकर विकास दिखता है क्या? नहीं, इन्होंने नारा लगाया था कि सबका साथ सबका विकास, साथ इन्होंने सबका लिया, लेकिन विकास इन्होंने खुद का किया है और क्षेत्र में कोई भी विकास का काम नहीं है। और एक तरफ ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बेटियां आज भ्रूण हत्याएं ये रोक नहीं पा रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है ये रोक नहीं पा रहे हैं, और आज बहुत सी महिलाओं के साथ बलात्कार हो जा रहा है ये सरकार नहीं रोक पा रही है। और अगर महिलाएं आज आंगनबाड़ी की और जब आंदोलन करती हैं तो यही सरकार उन पर लाठियां और गोलियां बरसाती है, तो ऐसी सरकार का हम क्या करेंगे कि यहाँ बहू बेटियाँ किसी की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। और ये सरकार कहती है हमने विकास की गंगा बहा दी झारखंड में, और विकास के नाम पर इन्होंने बड़े बड़े डोभे बनवाए, और डोभे में मछली पालन होगा और नौजवानों को रोजगार मिलेगा, और एक भी नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, जबकि बहुत से बच्चे गिर के उसमें शहीद हो गए और बहुत सी माताएं की गोद सुनी होगी, क्या ये सरकार हरी भरी कर सकती है? और मैं कहना चाहूँगी कि इन्होंने विकास के नाम पर सिर्फ छला है लोगों को, इन्होंने जात पात को लेकर धर्म के नाम पर लेकर लोगों को सिर्फ लड़वाने का काम किया है, और विकास का काम इन्होंने कुछ नहीं किया है। ये जो भी विकास का काम रुका हुआ है अगर हमें जनता सपोर्ट कर रही है, और अगर मैं
आ गई जगह पर, तो निश्चित तौर पर मैं विकास का काम करके आपको दिखाऊंगी। एक आखिरी सवाल चलते चलते कि विकास में से कोई एक ऐसा विकास आप बताएं जो आप जब चुन के जाएंगी तो वो पूरा करेंगी। हम लोग का सबसे पहले तो शिक्षा पर हम लोगों का है, क्योंकि हमारा ये क्षेत्र है पिछड़ा क्षेत्र है, और हमारे क्षेत्र में यहाँ के नौजवान जो छोटे छोटे बच्चे हैं गांव देहात में, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं ठीक से, क्योंकि सरकार तमाम गांव के स्कूलों को बंद कराने का काम की है, और एक तरफ माननीय बाबूलाल जी स्कूल को खोलने का काम किए हैं, ये भी आपको देखने के लिए मिला होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि पहले शिक्षित हों, और उसके बाद में साथ साथ में यहाँ हॉस्पिटल है लेकिन जर्जर की हालत में है, और हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, और अगर लड़के हम लोग डॉक्टर लाते हैं तो दवा नहीं है। तो ये तमाम चीज़ों की कमी है यहाँ पर, कि महिलाएं जो प्रेग्नेंट है वो दो दो किलोमीटर से चलकर आती हैं यहाँ डॉक्टर के पास, और डॉक्टर नहीं रहते हैं हॉस्पिटल में, और इस तरह कई महिला की प्रेग्नेंट हालत में मौत हो गई है। बहुत सी महिलाएं बच्चे को जन्म देती हैं, और बच्चे को क्या चीज़ की कमी है, उसकी माँ को क्या चीज़ की कमी है, ये सही साधन यहाँ नहीं रहने के वजह से भी महिला की मौत हुई है। तो हम लोगों ने ये देखा है बहुत जगह में, तो हम लोग इसकी भी लड़ाई को लड़ रहे हैं, और चाहते हैं कि अगर हम लोग जगह पर आएंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग ये सब चीज़ों पर ध्यान देंगे। और अभी बाबूलाल जी के 28 महीने के शासनकाल में आपने देखा होगा तमाम पुल पुलिया को उन्होंने बनवाया, और सड़कें बनवाई, बहुत से स्कूल खुलवाए, बहुत से नौजवानों को उन्होंने पायलट के रूप में तैयार करके दिखाया, बहुत से नौजवानों को उन्होंने पुलिस बहाली करके दिखाई, बहुत से स्कूल उन्होंने खुलवाए, पारा शिक्षक की बहाली की, आंगनबाड़ी की। तो मैं कहूँगी कि इन्होंने जितना विकास का काम किया आज तक किसी ने नहीं किया है, तो निश्चित तौर पर झारखंड की जनता जाग चुकी है और वो बदलाव चाहती है, और माननीय बाबूलाल जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और विकास की गंगा बहेगी। बिल्कुल, तो विकास की गंगा बहेगी, झारखंड में चुनाव है, दावे और वायदों का दौर है, ऐसे में रजनी कौर जो कि पूर्व में दो बार से जिला परिषद सदस्य भी रह चुकी हैं, जनता के प्रति इनका लगाव है, किचन से लेकर जनता के बीच जनसंपर्क अभियान कर रही हैं, और इसी बीच इनके जो वादे हैं वो भी आपने सुने। तो अब हम लोग, आप हम पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, और आप यूं ही देखते रहिए एबी न्यूज़।